सकता हूँ, तो कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात है, तो होते ही रहे। 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। लालू जी, भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिला है उनको राज्यसभा बनाते हैं, मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती है, उनको एमएलसी बनाते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे संग्राम के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव सहित कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले के आरोपियों को दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने समन भी जारी किया है। तेजस्वी यादव का इस पर भी बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कोर्ट से मिले समन को लेकर कहा है कि यह सब कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को लालू प्रसाद यादव के जैसे नेता बनने की सलाह तक निराली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कब लागू करेंगे महिला आरक्षण बिल में, ओबीसी जाति के महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। लालू यादव से सीखिए, भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी उन्हें लालू यादव ने राज्यसभा भेज दिया। वहीं साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने मुन्नी रजक को एमएलसी बना दिया। आप क्या करेंगे, तेजस्वी यादव क्या करें, जरा वो सुनी। तो कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात है, तो होते ही रहेगा, ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग जान जाइए। तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये कब लागू होगा कानून, हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा, किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। लालू जी, भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिला है उनको राज्यसभा बनाते हैं, मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती है, उनको एमएलसी बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है, हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन, आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया, ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहते हैं कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फैमिली में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नजरिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहां भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है, और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे। अभी सब तो महिला आरक्षण बिल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का यह बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव का उदाहरण तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को दिया है। फिलहाल अपने बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।